हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और एमडीज गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, वीडियो की शुरुआत ये स्वीट पोटैटो की वाइन है उससे कर रही हूँ। मैंने घर पे ही जो स्वीट पोटैटो आता है सब्जी में, उसी से ये उगाया था। तो देखिए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो गया और कितना खूबसूरत दिख रहा है ये हैंगिंग बास्केट में। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं 7 ऐसे प्लांट्स दिखाने वाली हूँ जो आपके गार्डन में पूरा सारा ग्रीनरी बिखेरते रहेंगे अपनी, और बहुत ही सुंदर दिखने के साथ साथ रफ एंड टफ प्लांट है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये है वो प्लांट। तो देखिए, आप में से कोई ऐसा है कि आपको गार्डनिंग का शौक़ है पर आप इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते, तो आप अपने गार्डन में ये सभी प्लांट ज़रूर लगाएं, तो ये अच्छे से अपने आप ही ग्रो होते रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये फटाफट से ग्रो होने वाले प्लांट हैं। तो देखिए, उस लिस्ट में सबसे पहले आता है ये फाइकस। ये फाइकस एक बहुत ही खूबसूरत वेराइटी है, और देखिए ये बहुत ही सुंदर तरीके से मैं बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको पत्थर में लगा रही हूँ। तो आपके गार्डन में ये नहीं है तो आप इसको ज़रूर लगाएं, बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है और फटाफट से ग्रो हो जाता है। तो उसके बाद है ये सिंगोनियम। तो देखिए कितना खूबसूरत है, पूरा साल हरा भरा रखेगा आपके गार्डन को। तो देखिए, मैं छोटे से प्लास्टिक के पॉट में लगाया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये सभी प्लांट ऐसे हैं कि आपको इसकी केयर नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और खाद भी बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप ग्रो करोगे तो होते रहेंगे। तो ये मनी प्लांट तो है ही, एवरग्रीन, किसी भी साइज़ के कंटेनर में ग्रो हो जाता है ये। तो देखिए, उसके बाद आता है ये टेंगल हार्ट। ये भी किसी भी पॉट में आ जाता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े गमले में ये फटाफट ग्रो हो जाता है। और देखिए, इन सभी प्लांट की कटिंग भी हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, एक स्नेक प्लांट की कटिंग ही ग्रो करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ग्रो तो हो जाएगी पर 6-8 महीने लग सकते हैं इसमें, बाकी सब तो 10-15 दिन में चलने लगेगी। तो देखिए, स्नेक प्लांट की भी बहुत सारी वेराइटी आती है, आप कोई भी वेराइटी ले सकते हैं और उसको लगाए। और ये जेड प्लांट, तो देखिए बहुत ही सुंदर इसका बोनसाई बना रही हूँ मैं। ये भी एक छोटी से छोटी कटिंग से भी ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। तो उसके बाद है ये डायफनबेकिया। देखिए कितने सुंदर इसके बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं। तो देखिए, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, मैंने कट अभी अभी किया है 2-3 दिन पहले। तो देखिए, इसको यहाँ मैं ढक के रख रही हूँ, यहाँ बरसात का पानी नहीं गिरना चाहिए वरना ये गल सकता है यहाँ से। तो देखिए, ये सभी के सभी प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट हैं और आसानी से ग्रो हो जाने वाले प्लांट हैं। सभी को हमें वेल ड्रेन सोयल देनी है, पानी देने के बाद थोड़ी देर में निकल जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें इन सभी प्लांट्स में से सिर्फ जेड प्लांट ही ऐसा है कि आप इसको फुल सन लाइट में ग्रो करोगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। बाकी सभी प्लांट ऐसे है कि आप उसको सेमी शेड में ग्रो करना पड़ेगा। फुल सन लाइट में आप ग्रो करोगे तो इसके पत्ते झड़ने लगेंगे। तो जहाँ पे छन छन की धूप आती हो वहाँ इन सभी प्लांट को रखें, खाली जेड प्लांट को छोड़कर उसको हमें फुल सनलाइट में रखना है। अगर सेमी शेड में भी रखोगे तो ये चल जाएगा पर उसकी ग्रोथ इतनी नहीं आएगी, इसको कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए। तो देखिए, खाद की बात करें तो मैं बहुत ही कम खाद देती हूँ, साल में 2 बार, कभी कभार तो एक बार भी हो जाता है, टाइम नहीं मिलता। तो कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो आपको ऐसा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है गार्डनिंग में, तो आप इसको ज़रूर लगाएं।
तो देखिए यही सभी बातें आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो देखिए वीडियो का एंड मैं छोटे से एडेनियम के प्लांट्स है उससे कर रही हूँ। तो देखिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाए ताकि सभी मेरे नए वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।